What's up everybody, this is Iman Tarasov. Welcome back to the another video. Guys, सबसे पहले अपन आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सीरियस होने वाला है. मीन्स अपन आज सोनी और कैनन का जो मेरा फर्स्ट मतलब दोनों का जो कंपैरिजन वीडियो जो हमारे लेके आ रहे हैं हम लोग, वो सबसे फर्स्ट वीडियो है मेरा और मैं आपके पास ऐसी वीडियो लेके आऊंगा. बट ये जो वीडियो है आपको जो लोग आए हैं उनको फर्स्ट टाइम बता दूं मैं, ये जो वीडियो है सिनेमेटोग्राफर्स के लिए बनी है. फोटो के लिए आए हैं वो जा सकते हैं. अगर जो लोग सिनेमेटोग्राफी के लिए आए हैं या वीडियो के लिए आए हैं वो इस वीडियो को देखें, वीडियो आपके लिए ही. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो अपना जो दोनों कैमरों के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं, देखिए दोनों कैमरे अपनी अपनी जगह बहुत ही प्यारे हैं. जो कैनन चला रहे हैं स्टार्टिंग से उनके लिए कैनन सबसे अच्छा है. जो सोनी चला रहे हैं स्टार्टिंग के लिए उनके लिए सोनी बहुत अच्छा है. बट दोनों के अंदर जो न्यू कैमरा मतलब जो बंदे न्यू आए हैं हमारे लाइन के अंदर, जो कैमरा न्यू आए हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि सोनी क्या है, कैनन क्या है, और या अभी जो लोग कैमरा लेने वाले हैं उनको कैमरा लेना है, उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन सा कैमरा लूँ, ये वीडियो आपके लिए है. इससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. और अगर आप सिनेमेटोग्राफी के लिए अंदर आए हैं, आपको सिनेमेटोग्राफी करनी है, वीडियो काम करना है या फिर ब्लॉगिंग बनाना है, मतलब कुछ भी करना है वीडियो काम, तो ये वीडियो आपके लिए है. मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, आपको सब कुछ बताऊंगा टोटल जो भी आपको चाहिए. और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कंपैरिजन जो कि आता है हमारा मेगापिक्सल्स. जैसे कि आप सबको पता है कि जिस कैमरे के मेगापिक्सल्स कम होंगे वो वीडियो प्रेफर होता है वीडियो के लिए, और जिस कैमरे के मेगापिक्सल ज्यादा होंगे वो प्रेफर होता है फोटोज के लिए. तो अपन सबसे पहले जो बात करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप बता दूं मैं कि जो हमारा R6 है, R6 20.1 मेगापिक्सल कैमरा है जो कि वीडियो के लिए प्यारा है. और जो हमारा M4 है, जो सोनी M4 कैमरा है, वो अराउंड 33 मेगापिक्सल कैमरा है जो कि ज्यादा है. तो आपको ये बता दूं मैं कि फर्स्ट पॉइंट में हमारा R6 प्लस पॉइंट में है, ठीक है. R6 वीडियो के लिए अकॉर्डिंग टू मेगापिक्सल अच्छा है, तो आप एक बार R6 को भी चेक कर सकते हैं. तो अभी अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के सेकंड पॉइंट. चलिए सो सेकंड पॉइंट है, ये थोड़ा फोटो पर्पस से मैंने ले लिया था कि जो हमारा R6 है वो 20 FPS ऑटोमेटिक स्पीड मतलब कंटिन्यू शूटिंग ऑटोमेटिक मोड में कर लेता है. और अगर इसी कंपेरिजन में अगर हमारे M4 की बात करें तो वो 10 FPS में क्लिक मतलब 10 FPS कंटिन्यू शूटिंग में क्लिक करता है जो कि R6 से कम है. तो यहाँ पे भी हमारा R6 तो उड़ा सके क्या. तो ये भी आप फोटो पर्पस के लिए मैंने ये चीज बताई है, तो आप लोग इसका भी देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है लेंस डिफरेंसेस. जी हाँ, लेंस डिफरेंस. लेंस में मतलब कि जो कि हमारे कैनन के लेंसेज है, जो कि आप लोग देख रहे हो कि जो कैनन के लेंसेज जो आते हैं, मीन्स देखिए जो कैनन के लेंसेज है वो आरएफ माउंट आते हैं, ईएफ माउंट आते हैं. तो थोड़े जो आरएफ माउंट लेंसेज है वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं. सोनी का एक ही माउंट आता है ई माउंट, जो कि सोनी में सारे कैमरे में लग जाता है, और वही हम देखें तो कैनन में 2 माउंट आते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है हमें. तो इस मामले में सोनी हमारा अच्छा है. और दूसरी बात, सोनी के जो थर्ड पार्टी लेंसेज आते हैं जैसे सिग्मा, टैमरॉन, सैमयांग, तो उनमें भी हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है. तो हमें ज्यादा मतलब बिल्कुल ओरिजिनल लेंसेज लेने की भी इतनी आवश्यकता नहीं. तो यहाँ पे हमारा सोनी का प्लस पॉइंट. चलिए अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट, ऑटो फोकस. फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ऑटो फोकस. ऑटो फोकस के मामले में जो M4 है, जो पहले हमारा सोनी के अंदर जो हमारा पहले M3 था, M3 के अंदर आई ऑटो फोकस नहीं था, कंटीन्यूअस आई ऑटो फोकस नहीं था, और M4 में वो हमारा आई ऑटो फोकस मिल चुका है हमें. और जो कि अब बात आती है हमारे ऑटो फोकस के मामले में कैनन की, कैनन स्टार्टिंग से ऑटो फोकस में बहुत अच्छा है. तो मेरे हिसाब से दोनों कैमरे ऑटो फोकस के मामले में बहुत ही प्यारे हैं, तो सिमिलर इन दोनों का ऑटो फोकस है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन ना हो, दोनों का ऑटो फोकस बहुत ही शानदार है. हमारा जो पांचवा पॉइंट आता है वो है हमारा 4K क्वालिटी के ऊपर, ठीक है. 4K क्वालिटी के अंदर R6 जो कैमरा है हमारा, R6 में 60 फ्रेम पे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वही हम M4 के अंदर देखें तो M4 में भी 60 फ्रेम पे अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं. बट R6 के अंदर क्या है कि
वो हल्का सा क्रॉप होगा, माइनर क्रॉप होगा, बिल्कुल माइनर क्रॉप होगा, जो आपको मतलब नहीं दिखेगा, क्रॉप होगा बट माइनर क्रॉप होगा, जो कि बिल्कुल इतना आपको नहीं इन्फेक्ट पड़ेगा उसका। बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं M4 के अंदर, M4 सुपर 35 होता है, मींस आपको बहुत मतलब कि आप एक 35mm से शॉट ले रहे हो या फिर कोई भी आप 24 से शॉट ले रहे हो, तो आपको थोड़ा स्पेस कवर करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपका प्रॉपर एंगल। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपैरिजन जो हो रहा है वो है हमारा स्लो मोशन के ऊपर, मीन्स आप जब 120 फ्रेम पे रिकॉर्ड करोगे कैनन के अंदर, कैनन R6 के अंदर, आप HD के अंदर 120 फ्रेम पे जब रिकॉर्ड करोगे, तो उसमें एक इशू है। इशू ये है कि उसके अंदर आपकी जो वॉइस अप होगा, मतलब जो वॉइस कवर अप होगा, वो आपका चला जाएगा इन कैनन। कैनन के अंदर आप 120 फ्रेम पे या फिर 100 FPS पे रिकॉर्ड करोगे तो उसके अंदर आपका जो वॉइस अप होगा वो हट जाएगा। बट वही वॉइस अप आप अगर सोनी के अंदर देखोगे तो आप स्लो मोशन के अंदर भी, आप सबको पता है कि SNQ का ऑप्शन आता है सोनी के अंदर, तो वो चीज आपके सोनी के अंदर आपको मिल जाएगा कि आप स्लो मोशन के अंदर भी उसको शूट कर सकते हो। और अगर आपको 100 फ्रेम्स के अंदर विदाउट मतलब इन वॉइस के साथ आपको शूट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको सोनी देता है जो आपको कैनन नहीं देता। सेवेंथ पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है हमारा हीटिंग इशू, मीन्स आपका जो कैमरा है, मतलब जो सोनी कैमरा है उसके अंदर थोड़ा, हमारा सोनी का जो कैमरा है उसमें हीटिंग का इशू आता है। वही इशू R6 में भी आता है, बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों कैमरे में हीटिंग इशू है, बट क्या होता है कि कैनन का जो हीटिंग इशू है वो इतना ज्यादा नहीं है बकायदा सोनी के। सोनी मैंने यूज किया है, आप लोगों को क्या बताऊं, मैंने जब कैमरा मतलब कैमरा न्यू कैमरा यूज किया था सोनी का, बिल्कुल उसको अनबॉक्स करके यूज किया था, वो बारात आई थी, बारात यूज की, मैंने बारात पूरा शूट की, मैंने वरमाला शूट की, वरमाला की एंडिंग में मेरा कैमरा हीट होके बंद हो गया, मीन्स बिल्कुल न्यू कैमरा बंद हो गया। तो ये थोड़ा सा हीटिंग इशू है मेरा सोनी के अंदर, बट उसमें भी सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप उसको फ्लिप स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन है सोनी की, उसको आप बाहर निकाल के शूट करोगे तो आपका इतना इशू नहीं आएगा। और कैनन के अंदर वो इशू नहीं है, मतलब हीट होगा आपका कैमरा बट वो आपको इतना इशू नहीं आ पाएगा, मीन्स हीट होके एकदम से वो बंद नहीं होता, बस कैमरा बॉडी हीट होती है, ना ही उसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन आएगा। तो हीटिंग इशू के मामले में थोड़ा सा सोनी को सुधार करना चाहिए। एक जो ऑप्शन आता है हमारा वो आता है हमारा डायनेमिक रेंज का। देखिए डायनेमिक रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वीडियो और फोटो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो के पर्पज से बता दूं आप लोगों को, जो कि डायनेमिक रेंज हमारी कैनन की जो डायनेमिक रेंज R6 की डायनेमिक रेंज है वो 13.5 स्टॉप है, मतलब 13.5 जो डायनेमिक रेंज है वो हमारे कैनन की स्टॉप है। और वही डायनेमिक रेंज हमारी सोनी M4 की वो है 15 प्लस स्टॉप, मतलब कि डायनेमिक रेंज के मामले में सोनी बहुत ज्यादा अच्छा है कैनन से। तो डायनेमिक रेंज के हिसाब से आपको सोनी में आना चाहिए, डायनेमिक रेंज सोनी बहुत बहुत प्यारी। तो अभी हम लोग जो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है पिक्चर प्रोफाइल, द बेस्ट पॉइंट पिक्चर प्रोफाइल, मतलब कि जो कैनन एंड सोनी की पिक्चर प्रोफाइल्स आप लोगों को पता होगा सबको, स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट वगैरह ये सब पिक्चर प्रोफाइल जाती है, और सोनी अपनी अलग पिक्चर प्रोफाइल को मेंटेन करता है और सोनी की पिक्चर प्रोफाइल बहुत प्यारी है। तो पिक्चर प्रोफाइल के मामले में सोनी अच्छा है, बिकॉज सोनी के अंदर आपको S-Log की पिक्चर प्रोफाइल मिलेगी, S-Log 2, S-Log 3, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। जो आप जो वीडियो देख रहे हो वो वीडियो S-Log 3 में शूट हो रखी है, जो कि मेरे को बहुत ही मतलब कूल प्रोफाइल लगती है। वही अगर हम देखें कैनन में भी अपलेट प्रोफाइल आती है, रोफोग्राफ आती है, वो है C-Log। तो C-Log के अंदर कुछ डायनेमिक रेंज की इशू आता है, जो डायनेमिक रेंज हमें सोनी में मिलते हैं वो हमें C-Log में नहीं मिल पाता, मतलब S-Log में जो मिलता है वो C-Log में हमें नहीं मिल पाता है। तो मेरे हिसाब से कैनन को थोड़ा पिक्चर प्रोफाइल के अंदर सुधार करना चाहिए, बिकॉज हमारे अगर हम इसमें देखें तो हमारे इसके अंदर सोनी के अंदर S-Log एंड S-Cinetone अभी न्यू आया है, वो भी बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार पिक्चर प्रोफाइल है। तो आप लोग तो इस पिक्चर प्रोफाइल के मामले में सोनी को अच्छा रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो है स्टेबलाइजिंग के मामले में R6 थोड़ा सा सोनी से अच्छा है, मतलब सोनी M4 से अच्छा है, M4 से R6 थोड़ा सा अच्छा है। बिकॉज क्या है कि R6 के अंदर थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू M4 के अंदर हल्का सा स्टेबलाइजिंग का इशू है, बट उसके अंदर एक न्यू ऑप्शन आया है जायरो सेंसर। मतलब उसके अंदर क्या है कि जब आप लोग वो जायरो सेंसर ओपन कर लोगे, मतलब जायरो सेंसर आप ऑन रहेगा तो उसके अंदर आपको वो इशू नहीं मिलेगा, बट अगर आप स्टेबलाइजेशन उसके एरो के अंदर भी ऑप्शन आता है, मीन्स क्या है
कि अगर आप जायरो ऑप्शन ऑन करके कैमरे के अंदर आर में स्टेबलाइजेशन भी ऑन कर लिया, एक्टिव मोड ऑन कर लिया आपने, जायरो ऑप्शन भी ऑन कर लिया आपने, फिर आप जाके पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में बैठोगे जब, तो उसके अंदर भी आपने स्टेबलाइज लगा तो थोड़ा सा मतलब आपको इशू आएगा, हल्का सा इशू आएगा उसके अंदर, क्रॉप तो होगा ही बट फिर भी आपको थोड़ा सा कई बार आपको पता है एक इशू आता है, मतलब बबलिंग टाइप का हो जाता है आपकी प्रोफाइल, ठीक है मेरे पास कोई भी कोई फुटेज नहीं है तो आपको बताता मैं एग्जाम्पल के लिए, बट वो बबलिंग टाइप हो जाता है, वो इशू आता है आपको जब भी आप जायरो ऑप्शन एक्टिव मोड ऑन करो, तो आपको स्टेबलाइजेशन सोनी के कैमरे के अंदर M4 के अंदर बंद कर देना है, तो उससे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर हम R6 के अंदर देखें तो R6 में वो थोड़ा परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि R6 में स्टेबलाइजेशन जो है उसका वो थोड़ा अच्छा है बकायदा M4 से। तो आप लोगों को मैंने दोनों के अंदर जो बेसिक कंपेरिजन थे वो बता दिया, एक कंपेरिजन और है जो कि हमारा है लोलाइट परफॉर्मेंस। लोलाइट परफॉर्मेंस के अंदर हमारा सोनी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है कैनन से। अकॉर्डिंग टू मी कैनन R6 एंड सोनी M4 में से आपको आप M4 में शिफ्ट हो सकते हो, बिकॉज उसके अंदर बहुत ही प्लस पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू R6। तो अगर आप वीडियो पर्पज के लिए इतना कैमरा बाय कर रहे हो तो आप बिना किसी चीज की चार्ट के आप ले सकते हो M4, ये अच्छा कैमरा है, आपको फोटो और वीडियो दोनों में ही बेस्ट रहेगा अगर आप दोनों पर्पज के हिसाब से कैमरा बाय कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो वॉच करने के लिए, और आप सबका आप जितना हो सके अपनी वीडियोस को शेयर करो, जो भी कंपैरिजन आपको और देखने हैं कमेंट्स करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को आप कमेंट करो, आपको जो भी अब कंफ्यूजन होगा जो भी डाउट्स होंगे आप सब क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।